ये तीन चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भूल कर भी मत खाना। थोड़े बहुत लालच में आकर कि हाँ ठीक है ये चीज हम ले आए हैं बाजार से खरीद के, हमारे पैसे गए हैं तो इसको खा ही लेते हैं, ऐसा मत सोचिए। ये सोच आप पर इतनी भारी पड़ सकती है कि ये कई बार पॉइजनस हो सकता है। और यहां तक ये ऐसा भी है विद प्रूफ, यहां पर यदि आप खुद गूगल करोगे तो आपको पता लग जाए कि ये चीजें इतनी ज्यादा घातक हो सकती हैं कि कई लोगों की जो है मौत भी हो सकती है। तो यहां पर कौन कौन सी तीन चीजें वो मैं आपको बता देता हूं। हेल्थ क्लासेस के इस नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला जो नंबर है, पहले नंबर पर आती है चीज आलू। अब आलू कौन सा वाला? आलू तो ऐसी चीज है कि बिना आलू के तो हमारा जो वेजिटेरियन लोग हैं, और वेजिटेरियन नहीं है तब भी आलू तो हर किसी के घर में बनता ही बनता है। आलू आपको ऐसा है कि आप व्रत में यानी कि फास्ट में जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तब भी खाते हो, और नॉर्मल डेली की सब्जी होती है उसमें भी खाते हो, और आलू अपने आप को हर जगह जो एडजस्ट कर लेता है। लेकिन आलू खाते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आलू नहीं खाना है। तो नेशनल कैपिटल पॉइजन सेंटर के अनुसार तो यदि आप हरा आलू खाते हो तो हरे आलू के अंदर सोलेनाइन नाम का एक पॉइजनस जो है पदार्थ पाया जाता है। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में हरा आलू खा लोगे तो इसकी मात्रा यदि ज़्यादा बढ़ गई तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ आपको फील हो सकती हैं, आपको वोमिटिंग आ सकती है यानी कि मितली, सरदर्द हो सकता है, आपका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, आपको माइग्रेन जैसा अटैक आ सकता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं कई बार होता क्या है, ये नॉर्मल होते हैं। होता क्या है, आपने सब्जी खाई या फिर कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट खा लिया, कोई भी ऐसा वेजिटेबल या फ्रूट खा लिया और ये लक्षण आपको आ रहे हैं तो आप सोचोगे नहीं ये किसी और कारण से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम खाते हैं उसी का इम्पैक्ट आपको अपनी बॉडी जो है बहुत जल्दी रिवर्ट कर देती है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन और वैसा ही रहेगा तन, ठीक है। तो ग्रीन वाला आलू केवल पैसे बचाने के लिए यदि आ गया है गलती से, या फिर घर पर रखे हुए आपकी बास्केट में वो हरा हो गया है तो उसको मत खाइए। जितना ग्रीन पार्ट है अवॉइड कीजिए, कि यदि पूरा आधे से ज़्यादा आलू ही ग्रीन है तब उसको पूरे को डिस्कार्ड कर दीजिए, या फिर आधा आलू या आधे से कम उसका 30-40% जो है पार्ट ग्रीन हुआ है तो उसको काट कर निकाल दीजिए, बाकी का आलू आप यूज़ कर सकते हो। वैसे भी आलू ज़्यादा महंगा नहीं होता है, हमारी हेल्थ से तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तो नंबर वन पर ग्रीन आलू, हरा वाला आलू आपको नहीं खाना है। अब दूसरे नंबर पर जो इंग्रेडिएंट या फिर जो सब्जी दाल है वो तो इतनी फेमस है कि आपको गली गली मोहल्ले में ठेलों पर मिल जाएगी। बहुत शौक से लोग खाते हैं, खड़े होकर ठेले पर खाते हैं, बहुत ही फेमस है। एक तो कड़ी चावल का कॉम्बिनेशन और दूसरा कौन सा होता है, राजमा चावल का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है ना, आपने भी कई बार खाया होगा। कोई बात नहीं है, अगर अच्छे से बना है और राजमा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब होती है, यदि राजमा आप प्रॉपर तरीके से बना हुआ नहीं खा रहे। बना हुआ का मतलब क्या है, यदि उसको प्रॉपरली कुक नहीं किया गया है, वो थोड़ा बहुत कच्चा रह गया है, तो उसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जल्दी बनाने के चक्कर में एक तो घर घर में कुकर आ गए हैं। अब कुकर तो वैसे ही हानिकारक है, जब पहले दाल बनती थी वहां पर दाल के ऊपर एक पानी लेयर हो जाता था, तो मिट्टी की हंडिया में दाल बनती थी गांव में, तो मैंने देखा है मेरी मम्मी जी बनाती थी, तो वहां पर उस पानी को उतार कर अलग कर दिया जाता था, वो दाल थी। लेकिन राजमा क्या होता है, ये एक कंप्लीट होल ग्रेन है, कंप्लीट है, इसकी दाल नहीं होती है, दाल मूंग मसूर या उड़द की बनाई जाती है, तो दाल के ऊपर से ही पानी हम उतार रहे हैं। और यहां पर तो बात हो रही है मतलब होल ग्रेन की, राजमा की, राजमा के ऊपर से आप पानी कैसे उतारोगे जब उसको कुकर में बॉइल करोगे। उससे भी बड़ी बात क्या है, जल्दी बनाने के चक्कर में कई बार लोग इसको भिगोते भी नहीं है, सोक नहीं करते हैं, तो कम से कम 5-6 घंटे के लिए यदि राजमा बना रहे हो या फिर इसी तरह का कोई हार्ड होल ग्रेन हार्ड स्किन वाला जो होता है उसको बना रहे हो तो एटलीस्ट 4-5 to 6 hours उसको आपको सोक करना चाहिए बनाने से पहले, और उसको प्रॉपरली आप बॉइल करके अलग से या फिर जैसे भी बनाते हो। मेन उद्देश्य हमारा यह है कि राजमा जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, इसके अंदर एक बहुत ही जहरीला प्रोटीन पाया जाता है यदि आप इसको कच्चा खाते हो, जिसका कि नाम होता है फाइटोहीमोग्लोटिनिन, ठीक है। तो ये जो नामक पॉइजनस जो प्रोटीन होता है यदि आप ज़्यादा कच्चा राजमा खाओगे तो ये इतना हानिकारक होता है कि आपके पेट के अंदर तुरंत फूड पॉइजनिंग, आपको सरदर्द, आपको मितली और इसी से जुड़े हुए कई सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आगे से जब भी राजमा खाओ तो चेक कीजिए कि पूरी तरह से कुक्ड है या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट यानी कि तीसरा जो इंग्रेडिएंट है जिसको कि आपको अवॉइड करना है। अब वैसे तो ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, कई बार हम खाना चाहते हैं तो हमारी पॉकेट अलाउड नहीं करती है। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा सारे पैसे के ड्राई फ्रूट्स ही खा जाएंगे, कितना ही पैसा हो लेकिन एक चीज़ की लिमिट होती है। अब ड्राई फ्रूट्स लिमिट ऐसा नहीं पैसे को देखकर भी, कई बार हमारी हेल्थ को देखकर भी, क्योंकि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है। यदि आप बहुत ज़्यादा बादामी खाने लग जाओगे तो आपको उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। काजू हो गए, ड्राई फ्रूट्स में कोई भी यानी कि इंग्रेडिएंट हो गया, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो गया, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉइजनस जो इंग्रेडिएंट ड्राई फ्रूट्स है वो है बादाम। अब शोक नहीं होना है तो बताता हूं आपको कौन सा वाला बादाम नहीं खाना है। आपको नहीं खाना है कड़वा वाला बादाम। और क्यों नहीं खाना है, मैं क्यों मना कर रहा हूं, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है और ये प्रूफ भी हो चुका है, क्योंकि ऐसा ही एक लड़की के साथ हुआ था। उन्होंने कड़वे बादाम बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिए थे तो उनको नाक से खून आ गया और माइग्रेन अटैक हो गया, स्ट्रोक आ गया, उसके कारण उनकी डेथ हो गई। इसके पीछे साइंटिफिकली वो अप्रूव भी हो चुका था कि ये हाँ ठीक है इसी कारण से हुआ है।
तो जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है ये इसके अंदर कड़वे बादाम के अंदर पाया जाता है। यदि आप 3-4 बादाम खाते हो कड़वे, कोई दिक्कत नहीं है। घर में अमूमन होता क्या है, बेसिकली हम 4-5 बादाम 3-4 ये इतने ही खाते हैं, यदि खाते भी हैं तो, और उसको भी सोख करके खाते हैं। तो बादाम को यदि खाना है तो रात को सोख कीजिए, सुबह को उसका छिलका उतारिए, बहुत आराम से उतर जाता है, फिर उसको आराम से खाइए। लेकिन कड़वा बादाम है और आपने सोख किया है तब भी यदि खाओगे तो कम इम्पैक्ट होगा, और यदि बिना सोख किए ही आप 8-10 बादाम खा लोगे तो आप पर इसका बहुत ज़्यादा मतलब साइड इफेक्ट्स हो सकता है। अब यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तब आप पर इस तरह की जो चीज़ें हैं ना एकदम जो है इफेक्ट नहीं करेंगी। यदि किसी की इम्यूनिटी कम है, वीक है, तो उन पर बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। यदि आपको समझाने के लिए मैं बात करूं, यदि कोई बंदा स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक दिन में ही किडनी खराब हो गई या लीवर पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो गए, वो धीरे धीरे करके अपना साइड इफेक्ट डालते हैं। इसी प्रकार से जो कड़वा बादाम है, एक दिन खाया, 10 दिन खाया, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा 2-4 खा रहे हो आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन इसी हैबिट को यदि उसकी मात्रा इंक्रीज कर दो या फिर 2 साल आप खाते रहो तो 100% ये चीज़ें साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, विजिबल साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। यदि आप मैदा ही ले लो, यदि आप होल ग्रेन यानी कि आटे को छोड़कर केवल और केवल मैदा का ही खाना रोज खाने लग जाओ, आप 10-15 दिन मैदा की बनी रोटियां खा लो या नान खा लो या जो भी कुछ खाना है आपको, आपको अपने पेट में कॉन्स्टिपेशन सुबह को मतलब 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगा। आज खा रहे हो, आपका 4 दिन बाद यदि रोज आप मैदा खाओगे आपका पेट जो है ना सही से साफ नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं मैं, इन चीजों को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। ये केवल और केवल अवेयरनेस के लिए नहीं है। अब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो हाँ ठीक है बिल्कुल बंद ही कर देनी है, अब आपको समझ में आता तो बंद करो, लेकिन आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए चीजें हैं, इसीलिए हम लोग मेहनत करते हैं, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। यदि अच्छी लगी जानकारी बाकी लोगों के साथ भी साझा कीजिए और हेल्थ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले इंटरेस्टिंग सेशंस का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।